गर्ल्स कॉमन रूम हमारा जीसीआर जिसमें सिर्फ लड़कियां जा सकती है, तू नहीं जा सकता ला मुझे दे। हमारे जीसीआर का वॉशरूम, यहाँ लड़की आके रेस्ट कर सकती है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम उपासना काद्यान, स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का मेरे चैनल पे बिल्कुल तहे दिल से। तो गाइज, आज का ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये डिमांडेड व्लॉग है। आप सब लोगों ने बहुत मुझे रिक्वेस्ट की थी सत्यवती कॉलेज पर, मतलब पूरे सत्यवती कॉलेज का टूर करके दिखाओ कि कॉलेज कैसा है। मैंने लास्ट वीडियो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी सत्यवती कॉलेज, मेरे कॉलेज के ऊपर, तो उसमें मैंने कुछ एक क्लिप्स दिखाई थी मेरे कॉलेज के, कम्प्लीटली नहीं दिखाया था। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट करने के बाद कि पूरे कॉलेज पर व्लॉग ना हो, तो आज मैं उसे शूट करने के लिए जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 5, तो मैं उठी हूँ, आप देख सकते हो मेरी आँखें थकी थकी हुई हैं, बट अभी मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों को लेके चलती हूँ मेरे कॉलेज और दिखाती हूँ मेरा कॉलेज, पूरा कॉलेज सत्यवती कॉलेज। तो यार स्टार्ट करते हैं। ये छोटे छोटे सो आई एम रेडी। अभी जस्ट मैं उतरी हूँ आज़ादपुर, कॉलेज जाने के लिए सबसे पहले हमें उतरना पड़ता है आज़ादपुर, उसके बाद लेनी पड़ती है रिक्शा यहाँ से अशोक विहार के लिए सत्यवती कॉलेज के लिए, जो सिर्फ 10 रुपये लेती है। तो चलो रिक्शा में बैठते हैं और चलते हैं। तो ले ली मैंने एंट्री, ये था हमारे कॉलेज का एंट्रेंस गेट और अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब सामने आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो इस बोर्ड पे लिखा है प्ले ग्राउंड कैंटीन बैंक ऑडिटोरियम। तो ये वे है, सामने से हम प्ले ग्राउंड में जा सकते हैं और ये हमारा बैंक है, बैंक के पीछे हमारी कैंटीन है, कैंटीन के साइड में हमारा ऑडिटोरियम है और फिर न्यू बिल्डिंग देन ओल्ड बिल्डिंग। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ हमारी कॉलेज की कैंटीन में, तो चलो चलते हैं। अब शर्म नहीं आ रही,
क्या करें? कैंटीन की सारी लोकेशन ही बदल रही है ना? कुछ खाएगा तो नहीं? तो खिलाते हैं मेरे। खा ले। ये मेरा दोस्त चंदन जो मेरी वीडियो शूट कर रहा है। मेरा कोई भी दोस्त नहीं आया आज। तो ये है पूरी कैंटीन। अभी क्लासेस ढंग से चल नहीं रही तो इस वजह से भीड़ नहीं है इतनी। और ये यहाँ पे मेन्यू लगा है हमारे कैंटीन का, जो भी खाना है। मुझे, मेरा बाहर का बंदा इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। तो ये हमारे कॉलेज की कैंटीन है और हमारे कॉलेज की कैंटीन बाकी सारे कॉलेजेस से काफ़ी बड़ी है और जो फूड मेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारा बड़ा बड़ा चाय, समोसे और लंच वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो कभी आना और ट्राई करना हमारी कैंटीन की मेन्यू। अब जो मुझे, मेरा पेट भर रहा है, मुझे कुछ खाना नहीं है तो मैं आपको खाकर चलती हूँ और सारी चीज़ें दिखाती हूँ यहाँ पर। चलो, ये सामने वाली बिल्डिंग ऑडिटोरियम है हमारा। डीयू का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम ही हमारे कॉलेज का है। हमारे कॉलेज का ही ऑडिटोरियम है। अब मैं आप सब लोगों को लेके चलती हूँ हमारे कॉलेज की ओल्ड बिल्डिंग में। तो ये सामने हमारे कॉलेज की ओल्ड बिल्डिंग है और इसके अंदर क्लासरूम हैं बहुत सारे, ऑफिस भी है सारा। जो मेन जो हमारा डिपार्टमेंट है सारा हमारी ओल्ड बिल्डिंग के अंदर ही है। तो अब चलो ना। क्या हुआ? ये सारा डिपार्टमेंट है ना, टीचर स्टाफ है ना, ये ब्रांच हमारा टीचर स्टाफ है। अभी ये बंद पड़ा है क्योंकि क्लासेस अभी बच्चों की चल रही है और यहाँ पर सारा चोट लग जाए। मेरे को सबसे ज़्यादा चोट लगती है इसलिए मैं यहाँ बहुत आती हूँ। ये मेरा फेवरेट प्लेस है। ये क्लासेस है। हमारे कॉलेज में दो लाइब्रेरी है, एक इवनिंग की लाइब्रेरी और एक मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग वाली लाइब्रेरी दो है नीचे और इवनिंग वाली लाइब्रेरी है ऊपर। ठीक है, और मुझे नहीं पता इसकी लाइट कहाँ से ऑन होगी। तो आप दिखाई दे रहे हैं? तो आप मैं कैसे दिखाऊंगा? अंधेरा ज़्यादा है। हमारा सेमिनार हॉल में चेयर्स है, वहाँ पर एक खड़े होने के लिए स्टैंड है, बोलने के लिए स्टैंड को क्या बोलते हैं, लेक्चर स्टैंड। हाँ,
पे खड़े होके जो बोलते हैं बड़े बड़े जिनको भी इनवाइट किया जाता है सेमिनार्स में, वो रिस्पेक्टेड पर्सन यहाँ पर आकर स्पीच देते हैं और इंटरव्यूज में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठते हैं। उनमें से मैं भी हूँ एक जो बैठती हूँ आके कभी कभी भी, तो इसको हम यही बंद कर लेते हैं। अब इसके बाद और बिल्डिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बचता है हमारा CCR हॉल जिसमें मैं आप लोगों को देख सकती हूँ। CCR रूम की बारी है, CCR रूम को टटोल के आते हैं। ये स्टाफ रूम, ये हमारा टीचर स्टाफ रूम है जिस अंदर में जाके छुट्टी कर सकती हूँ। ये है गर्ल्स कॉमन रूम हमारा GCR, जिसमें सिर्फ लड़कियां जा सकती है, तू नहीं जा सकता लव मुझे। तो ये हमारा GCR है, यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स का आना अलाउ होता है। और ये है हमारे GCR का वॉशरूम, यहाँ लड़के आके रेस्ट कर सकती हैं। लेक्चर लेते लेक्चर यहाँ पे लेक्चर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी क्लासेस का लेक्चर होता है। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, हम लिफ्ट का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि हम मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे से स्टेयर्स भी चली जा रही है। सेकंड फ्लोर आ गया, आगे आगे बिल्डिंग में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है। अगला एक विंग की कंप्यूटर लैब है और एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस डिपार्टमेंट और ये स्टूडेंट यूनियन रूम, ये है सबसे जरूरी वाला रूम, ये हमारा स्टूडेंट यूनियन रूम है जहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी सारी मीटिंग वगैरह जो भी होती है वो यहीं होती है। और ये है थर्ड फ्लोर पे न्यू बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग बिल्डिंग दिखा दे नीचे का सीन, मैं वही हाँ तो कैसा कितना अच्छा प्राकृतिक नज़ारा दिखा दी मैं आप लोगों को। ये जामुन का पेड़ है ना, ये आम का है, आम का पर आम तो कभी लगे ही नहीं लगे हैं और अब सामने आपको हल्का हल्का दिखाई देगा, ये पूरा हमारा ये गेम का है ना, गेम वालों के लिए बना ये वाली बिल्डिंग, ये NCC का है, NCC का सारा NCC बिल्डिंग है ये, और पीछे हमारा ग्राउंड है पूरा, चलते हैं ग्राउंड। तो अब हम कहाँ चले, ग्राउंड में चलते हैं, चलो चलो ग्राउंड में NCC का होता है। Thank you.
ओके सो आई हैव डन विद माय शूट. मैंने पूरा कॉलेज, जैसा आप लोगों ने मुझे भर भर के रिक्वेस्ट करके बोला था कि अपने कॉलेज के ऊपर बनाओ एक वीडियो, मतलब तो मैंने इस पूरी वीडियो में कवर मतलब मेरे कॉलेज का जो मेन पार्ट है, जो भी चीज़ें हैं कॉलेज में, वो पूरा कवर करने की कोशिश की है आपकी रिक्वेस्ट पे. अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो और आप इसी से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कॉलेज पे रिलेटेड और या कैसा भी आप ब्लॉग चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ज़रूर. तब तक मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साइड में जो बेल बटन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय.